हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल के ड्रीम। दिस इज भाग्या। बाय द वे, दिस इज पार्ट टू ऑफ जीके इज सिंप्लीफाइड फॉर यू वीडियो। दिस थिंग एप्लीकेशन प्रोसीजर इज गोइंग टू बी वेरी एग्जॉस्टिंग, वेरी स्ट्रेसफुल। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर एप्लीकेशन प्रोसीजर, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एप्लीकेशन फॉर्म। मैंने बोला है आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, वेबसाइट आ जाएगा, जीकेएस भेज देगा आपको एप्लीकेशन फॉर्म। तो पूरा एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर दीजिए, अच्छे से पढ़ लेना। बेसिक इन्फॉर्मेशन डालना होता है, आपका नाम, आपकी पढ़ाई के बारे में, प्रीवियस एजुकेशन अगर आपके पास टॉपिक है या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का है तो उसका, आपके यूनिवर्सिटीज़ के नाम, किस चीज़ के लिए पढ़ना है आपको, आर्ट्स, मेडिकल, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन, यू विल नो एवरीथिंग। सेकेंड वन इज पर्सनल स्टेट, वेरी इम्पॉर्टेंट। लिटरली पर्सनल स्टेटमेंट इज कोर ऑफ योर एप्लीकेशन, इट्स लाइक द हार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन, ठीक है? तो बहुत अच्छे से लिखना, ग्रामर एरर नहीं करना है। बोनस पॉइंट जो दे रही हूँ मैं कि पर्सनल स्टेटमेंट में क्या होना चाहिए, ठीक है? वो बेसिकली आप हो पर्सनल स्टेटमेंट। वॉट आर यू, हु आर यू, वाई आर यू, आंसर दीज क्वेश्चंस, ठीक है? अपने बारे में सेल्फ इंट्रोडक्शन दो, देन बताओ कि आपको, आप जो पढ़ाई ले रहे हैं, एग्जाम्पल मेडिकल ले रहे हैं, तो क्यों ले रहे हैं, आपको क्या मोटिवेट करा वो लेने के लिए, आपने प्रीवियस पढ़ाई क्या की थी, वो प्रीवियस पढ़ाई क्यों की थी, कौन मोटिवेट करा, लाइक स्पेसिफाई अ पर्सन हु मोटिवेट्स यू, लाइक फॉर एग्जाम्पल फॉर मी माई मदर, तो वैसे। एंड ऑल्सो इट शुड बी कनेक्टिंग, ओके? हर एक पैरा कनेक्टेड रहना चाहिए। नो ग्रामर एरर्स, प्लीज चेक करवा लो। चैट जीपीटी भी है आपके पास अभी, तो हमारे जमाने में नहीं थी। हमारे जमाने मतलब हमने चैट जीपीटी यूज नहीं की थी, बट यू कैन यूज इट। या दैट्स इट, दैट इज पर्सनल स्टेटमेंट। एंड एंड यू शुड एंड इट लाइक, आपको यहाँ साउथ कोरिया में ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है और आपको इससे क्या बेनिफिट है, एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस अपॉर्चुनिटी फॉर यू। बता दो उनको पर्सनल स्टेटमेंट में कि आपको पढ़ाई करनी है, आपको एक्सप्लोर करना है, आपको ये सब्जेक्ट पसंद है और इसका नॉलेज आपको साउथ कोरिया से लेना है, इसलिए जीकेएस हमको हेल्प करता है। थर्ड इज स्टडी प्लान। व्हाट इज स्टडी प्लान? सी, स्टडी प्लान इज बेसिकली थ्री पार्ट्स में लिखना होता है, बिफोर कमिंग टू कोरिया, इन कोरिया, आफ्टर कंप्लीटिंग योर एजुकेशन। तुम कोरिया पढ़ाई को आने से पहले लैंग्वेज के लिए कैसे प्रिपेयर करोगे, दैट यू हैव टू राइट स्टार्टिंग में। फिर साउथ कोरिया में आके लैंग्वेज और मास्टर्स के लिए कैसे पढ़ाई करोगे, विल यू हैव डिफरेंट टेक्निक्स टू स्टडी, लाइक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करके ही, वैसे बता देना। एंड देन व्हेन यू कंप्लीट योर स्टडीज, व्हाट विल यू डू, विल यू गो बैक टू योर कंट्री और स्टे इन साउथ कोरिया एंड फाइंड जॉब, दैट शुड बी योर स्टडी प्लान। वैसे तीन पैराग्राफ्स में बता देना। आफ्टर स्टडी प्लान व्हाट इज रिकमेंडेशन लेटर, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ये आता है आपको आपके यूनिवर्सिटी से। मैं मेरे कॉलेज से लिया था, मैंने सुना है कि रिकमेंडेशन लेटर्स दो पूछते हैं हमेशा। 2023 हमको बस एक ही पूछा था, तो एक ही रिकमेंडेशन लेटर पूछा था, बट अगेन दैट शुड बी जेरोक्स सेंड करके उसकी थ्री कॉपीज बनाना, दैट इज अगेन एन एम्बेसी थिंग। हाउ द रिकमेंडेशन लेटर शुड बी डन एंड एनवलप्ड एंड साइंड एंड सेंट, विल लेट यू नो। रिकमेंडेशन लेटर अपने प्रोफेसर से बोलना लिखने के लिए आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें, एंड इट शुड बी रिलेटेड टू द सब्जेक्ट यू आर अप्लाइंग फॉर, कि यू आर गुड इन दिस सब्जेक्ट एंड यू आर विलिंग टू लर्न, यू आर अ रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन, यू विल टेक दिस स्कॉलरशिप सीरियसली वगैरह, आपके प्रोफेसर से आना चाहिए, दैट इज लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। अभी ऐसा कैसा है बताएं, इट्स नॉट लाइक कोरिया जो स्कॉलरशिप दे रही है पर्सन को दे रही है, कंट्री को दे रही है। तो आप इंडियन सिटीजन हो बोल के प्रूफ चाहिए उनको, नॉट जस्ट आप और आपके पेरेंट्स, मम्मी पापा भी इंडियन सिटीजन है बोल के प्रूफ करना है। That can be proved through passport or your birth certificate. Yeah, sadly, Aadhaar card doesn't work. Aadhaar card हमारा proof of identity है, but India में, outside of India नहीं चलता है वो, sadly. So अगर आपके पास passport नहीं है, birth certificate भी नहीं है, तो
तो आप आधार कार्ड यूज कर सकते हैं. आई मीन उधर लिखा है नहीं चलेगा, बट द थिंग इज आपको अपोस्टाइल करवाना पड़ेगा. नाउ बोनस पॉइंट, व्हाट इज अपोस्टाइल? फ्यू ऑफ आर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, फ्यू ऑल ऑफ आर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स आउटसाइड ऑफ इंडिया नहीं चलते हैं, एक्सेप्टेबल नहीं है. आई डोंट नो व्हाई. तो अगर उसको एक्सेप्टेबल बनाना है आउटसाइड ऑफ आर कंट्री तो उसको हम अपोस्टाइल करते हैं. वो अपोस्टाइल का प्रोसीजर, उसको भी आपको एक वेबसाइट पे जाना पड़ेगा. आई विल गिव यू द लिंक टू द वेबसाइट. यहाँ पर जाके आप अपने ऑफिशियल, बोनस पॉइंट, टडांग, वन मोर, यू गेटिंग अ लॉट ऑफ बोनस पॉइंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को अपोस्टाइल मत करवाना. अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का कलर जेरोक्स कॉपी लेके उसको अपोस्टाइल करवाना, ठीक है? ओरिजिनल अपने पास ही रखना है. अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट्स आपको जीकेएस को भेजने हैं, ठीक है? सो प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप अपोस्टाइल करवा लेना. फॉर योर डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स टू वर्क आउटसाइड, अपोस्टाइल इज इम्पॉर्टेंट. नाउ अपन चलते हैं. मैंने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया है तो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, जो मेरी डिग्री है, ट्रांसक्रिप्ट एंड मार्क्स कन्वर्जन, दिस इज वॉट आई हैव टू गिव फ्रॉम माई कॉलेज. अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो तो आपके ट्वेल्थ की मार्कशीट शायद. सो यस, यू हैव टू अपोस्टाइल योर डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट एज वेल. वॉट इज ट्रांसक्रिप्ट? कंसोलिडेटेड मार्क्स मेमो. तो आपके फर्स्ट ईयर से लेके लास्ट ईयर के सारे मार्क्स एक ही पेपर में, एक शीट दैट हैज ऑल योर मार्क्स, दैट इज अ ट्रांसक्रिप्ट. आई एम एक्सप्लेनिंग दिस बिकॉज जब मैं अप्लाई कर रही थी मुझे नहीं पता था ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है. इट्स अ कंसोलिडेटेड मेमो. That's, I'm just simplifying the words for it. Grade conversion. Yeah. This is optional. They don't ask it ki agar aapka grading system different hai than the international system that they follow, like basic, go for 100% wala. CGPA 9.8, 5 points wala. It's very complicated and confusing. They will not understand. So ask your university to convert your CGPA into percentage. Like 100% ka jo basic har jagah par chalta hai. So that is grade conversion certificate. It's an optional thing, but I would recommend that you give it. Kyunki wo aapke marks ko simplify kar deta hai, then they can, and if you have good grades, then it will look so good. Like 95%, 98% in grade conversion. So you can do that. Phir aate hai, jo forms which will come, ab jab application form download karte ho na, तो ये तीन फॉर्म भी उसके साथ ही होते हैं. सो दिस यू डोंट हैव टू गेट इट फ्रॉम समवेयर एल्स. इट्स एप्लीकेशन अग्रीमेंट, इट्स लाइक टर्म्स एंड कंडीशंस जो हम फोन में टक 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 टिक करके अग्री और साइन करते हैं. सो दिस ऑल्सो अग्री एंड साइन. एंड देन पर्सनल मेडिकल असेसमेंट, दिस ऑल्सो इज अ शीट. ये इसके लिए डोंट गेट कन्फ्यूज, यू डोंट हैव टू गो टू हॉस्पिटल एंड गेट इट. मेडिकल टेस्ट वगैरह करने की जरूरत नहीं है, खुद के कॉन्शियसनेस से करना है कि आपने कभी ड्रग्स लिए थे क्या, आप कभी हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे क्या, नो नो यस नो, ऐसा करके अग्री साइन करना है. एंड देन लास्ट, कंसेंट टू कलेक्ट एंड यूज योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, दे दो कंसेंट क्योंकि हमको स्कॉलरशिप चाहिए. हियर ऑल्सो अग्री अग्री साइन. दीज वर ऑल द, नो वेट, ऑप्शनल, दीज वर ऑल द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड, लाइक कंपल्सरी ये चाहिए. दे आर ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स विच यू कैन सेंड इफ यू वॉन्ट टू, एंड आई थिंक यू शुड. वन इज अगर आपने टॉपिक लिखा है तो टॉपिक का सर्टिफिकेट तो भेजना ही भेजना है, बिकॉज ये बोनस पॉइंट ऐड करेगा. मैंने नहीं लिखा है, मेरे पास नहीं था. अगर टॉपिक भी है या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी भी कोई टेस्ट लिखा है तो वो भी ऐड कर देना, वो सर्टिफिकेट भी भेज देना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड वन मोर, दिस इज ऑप्शनल बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स. आपने अब तक कितने अवार्ड्स जीते, कितने सर्टिफिकेट्स जीते, सब दे दो. इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट शुड बी रिलेटेड टू योर मेजर. अगर आप मेडिकल ले रहे हो और आपने कुछ मेडिकल कैंप में पार्टिसिपेट किया है, या आपने कहीं पर वॉलेंटियर करा है, या स्कूल एक्टिविटीज, कॉलेज एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया है जिससे सर्टिफिकेट मिला है, तो वो डाल दो. लाइक इट शुड शो दैट यू आर एन आउट गोइंग स्टूडेंट. यू जस्ट नॉट स्टडी, लाइक जस्ट नॉट गुड एट स्टडीज, बट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी आप बहुत अच्छे हो, ये भी बताना है. लाइक यू हैव टू शो यूर एन ऑलराउंडर. तो ये अवार्ड्स एंड एक्टिविटीज, आई मीन अवार्ड्स एंड अदर सर्टिफिकेट्स विल हेल्प यू इन दैट, शोइंग यू आर रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट, स्टूडियस स्टूडेंट,
That's it. So that is it for required documents for application. I hope you found this video useful, informative, because I have spoken a lot. बहुत ज़्यादा information दे दी. And mind you, मुझे नहीं मिली थी information इतना. So yes, if you found this video useful, please like this video, subscribe to my channel to get इतना अच्छा अच्छा informative information and other things. I keep doing vlogs also. I keep roaming South Korea, so I'll be putting those videos also. And don't forget to follow me on Instagram too. मैं Instagram पे बहुत ज़्यादा active हूँ. So yeah, follow me there. And share this video with someone who might find it useful. Yep. And comment down your thoughts, your questions. I will reply to your all questions. Okay? ठीक है? I'm so tired. Okay. Don't forget to eat something delicious today. Take care of yourself. And yes. अगर मिल जाए scholarship तो बता देना. ठीक है? Comment section में. And I'll congratulate you. Let's see. Come to Korea. Yeah, so that was it today. Bye. Thank you so much for watching, guys.